हेलो, तो नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से। और बताएं कैसे हैं आप। मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह योगा कर रहे होंगे और अपने वेट को भी कम कर रहे होंगे, हेल्थ को भी अच्छा कर रहे होंगे। देखिए, ये साल तो बीत गया है, आज लास्ट दिन है, 31st है, आज 31 तारीख है और ये 2022 का आखिरी दिन है। तो मेरी तरफ से आने वाली नए साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, हैप्पी न्यू ईयर है। और नए साल में अपने आप को मोटिवेट करें कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे इस साल में, कुछ नया करेंगे, अपने आप को अच्छा रखेंगे, अपने आप को बहुत ही हेल्पफुल रखेंगे और अपने आप को ही मोटिवेट करें कुछ ना कुछ करने के लिए। तो मैं जैसे कि बता रही हूँ वेट लॉस के बारे में, कुछ महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम के बारे में लास्ट में मैंने बताया था, नेक पेन और अपनी सर्वाइकल पेन के लिए जैसे बताया है। तो आज मैं स्टमक के नीचे, पेट के नीचे जो चर्बी बढ़ती है उसके लिए मैं बताऊंगी, यानी कि लोअर बैली फैट के लिए एक आसन बताऊंगी, उसका नाम है बटरफ्लाई आसन। दो तीन और भी एक्सरसाइज बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल है लेकिन उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा मेरा मानना है और मैंने भी किया है इसीलिए आपको बता रही हूँ। कभी देखिए, आजकल की महिलाओं को बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा जो काम है बैठने के होते हैं और किचन में जो होता है स्टैंडिंग का काम होता है, तो हमारा जो लोअर बैली फैट है वो बहुत जल्दी बढ़ता है, जैसे ही वेट बढ़ता है वो नीचे से, तो उसकी वजह से बहुत सारी औरतों को बैली फैट बढ़ने के कारण पीसीओडी वगैरह की समस्या रहती है। तो इसमें फिर कंसीव नहीं होता है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके बारे में आज बता रही हूँ। तो चलिए फिर कर लेते हैं और शुरुआत कर लेंगे, यानी कि जो भी करना चाहे नए साल से भी कर सकते हैं। तो आज का ये इस साल का लास्ट वीडियो होगा और नए साल में नई शुरुआत का वीडियो होगा। तो थैंक यू गाइस, आप सब लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं मुझे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करें, बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ इसलिए आप शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव भी दें, आपको क्या देखना है वो भी मुझे बता दें कि आपको नेक्स्ट में आपको क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बता दें। तो चलिए फिर करते हैं। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे योगा करने के लिए और स्टार्टअप ज़रूर करें, स्टार्टिंग में वार्म अप करें थोड़ा सा और फास्ट फास्ट कर लें क्योंकि अब हमें काफ़ी दिन हो गए हैं। और झुक के अभी देखे मुझसे भी ज़्यादा झुका जा रहा है और पैरों को हाथ भी लग रहा है मेरा, ज़मीन को छूने की कोशिश कर रही हूँ तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। हाँ जी देखिए, तो यहाँ पे काफ़ी मेरा हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, आप भी कोशिश करें ज़मीन को छूने का और धीरे धीरे ये सब होने लग जाएगा। सबसे पहले ज़मीन पर बैठ जाएं, एकदम इजी से पैर फैला के और पैरों को आगे पीछे करके थोड़ा वार्म अप करें जैसे कि मैं कर रही हूँ। और देखिए, बैठने से ही हमें पता चल जाता है कि हमारे फैट कहाँ पे जमा हुआ है, तो मैंने आपको दिखाया है और इसी को कम करना है हमें। और देखिए, पैरों को फोल्ड कर लिया है मैंने और एक पैर को फोल्ड कर लिया है और एक पैर को उठाते हुए दूसरे पैर से क्रॉस करने के बाद में छूने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना है, राइट से लेफ्ट को पकड़ना है, लेफ्ट से राइट को पकड़ना है और इसको कान तक लेके जाना है। और धीरे धीरे देखिए, ये स्टार्टअप बता रही हूँ आपको कैसे, मैं तो अभी 2-3 दिन से वापस से करने लगी हूँ। और ये देखिए, कान को छूने की कोशिश कर रही हूँ और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेग को छूने की कोशिश कर रही हूँ
और गाइस ये बहुत ही आसान है, आप धीरे धीरे करेंगे तो बहुत ही अच्छा भी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी आपका फैट मेल्ट होने लग जाता है और आपको फील भी होता है, बहुत ही फ्रेश फील होता है। और आप बहुत ध्यान से करें, धीरे धीरे करें, एज के मुताबिक करें, और शुरुआत में जैसे कि कपालभाति और अनुलोम विलोम करके थोड़ा बॉडी को यानी कि फ्लेक्सिबल कर लें, उसके बाद ये सब आसन करें तो ये सब हो पाता है, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कोशिश कर रही हूँ और आपको दिखाने के लिए मैंने दो दो तीन तीन बार किया है। उसके बाद देखिए वापस से वार्म अप कर रही हूँ। हाँ जी, तो अभी पैर फोल्ड करके हमें बैठना है। देखिए मैंने दिखाया है कि पैरों को दोनों तरफ खोल के और फिर फोल्ड करना है, दोनों हाथों से अपने पंजों को नीचे से पकड़ते हुए ऊपर उठाते हुए बटरफ्लाई की तरह हमें उड़ना है, यानी कि बटरफ्लाई की तरह हमारे पैर लगने चाहिए। शुरुआत में ये धीरे धीरे होगा और बाद में बहुत ही फास्ट हो जाएगा। इस आसन से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, जिसमें PCOD, बढ़ता वज़न, पीरियड की प्रॉब्लम और काफ़ी सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाएंगी। लोअर स्टमक पेन है वो भी सब ठीक हो जाता है। तो इस आसन को ज़रूर करें, धीरे धीरे करें, बटरफ्लाई आसन। और ये जो आगे का आसन मैं बता रही हूँ, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ना और राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ कर धीरे धीरे इसको कान को छूना है हमें। और शुरुआत में आप थोड़ा सा भी उठाएंगे चलेगा। देखिए मैंने जैसे पकड़ के ऐसे लगाया, ऐसे ही उठाएं, जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचाएं, और धीरे धीरे बहुत ही जल्दी हो जाएगा और इससे बहुत ही आराम मिलेगा आपको। और जिसका वज़न बहुत ही नीचे से बढ़ा है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिर्फ सामने से छूने की कोशिश करें और सिर्फ बटरफ्लाई करें, और उसके बाद धीरे धीरे मूव होने लग जाएगा आपका हैंड और आप कर पाएंगे। तो देखिए यही दिखाया है मैंने आपको बहुत ही आराम से, तो आप ऐसे ही करें। तो हाँ जी, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं नए साल में, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।